गुड मॉर्निंग, मैं शिवाशीष मान, आप देख रहे हैं बिजनेस अकेडमी पटना। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल महीना का राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे, इसका पार्ट टू देखेंगे। पार्ट वन हम लोग देख चुके हैं, उसमें चार या पांच टॉपिक था, उसको कवर कर चुके हैं। हम लोग फिर चार टॉपिक हैं, इसको तथ्यों के साथ विश्लेषण करेंगे, इसके बातों को समझेंगे और इसके बाद ये राष्ट्रीय परिदृश्य जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा हम लोगों का। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या है, 5 वर्ष अंतरिक्ष में कचरे की तरह निष्क्रिय पड़े उपग्रह कार्टोसैट 2 को हिंद महासागर में गिराकर नष्ट करने में इसरो की सफलता। देखिए कार्टोसैट 2 एक उपग्रह था, वो काम क्या करता था, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग उपग्रह था, समझ जाइए पहले। कार्टोसैट 2 इसको प्रक्षेपण किया गया था 2007 में, है ना, 2019 तक ये काम किया। इसका काम क्या था, उसके बाद फिर ये रिटायर हो गया, मतलब काम करना बंद कर दिया, ठीक है। इसका काम क्या था, तो हाई रिजोल्यूशन इमेज उपग्रह, हाई रिजोल्यूशन इमेज को कैप्चर करके भेजता था। तो आपको लगा कि ये होता क्या है, तो हाई पिक्सल का जो फोटो होता है ना वही होता है, इसमें जो बिंदु बिंदु रहता है उसका सघनता जो होता है, मात्रा जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। यानी कोई भी हाई पिक्सल में होता है कि कोई भी पिक्चर जब बनता है, जब प्रिंट निकलता है तो बहुत सारा बिंदु बिंदु से मिलकर बना रहता है ना, बहुत सारा बिंदु बिंदु से मिलकर बना रहता है बहुत सारा। उसी में अगर सघनता ज़्यादा हो जाए कि बिंदुओं की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो देखिए कि जो गैप है, जो बीच बीच में गैप है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा बिंदु हो जाएगा, गैप भर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखने में और अच्छा लगेगा, साफ साफ दिखेगा। बस वही बात है कि किसी पिक्चर में बिंदु का मात्रा ज़्यादा हो जाए, सघनता ज़्यादा हो जाए तो उसको हाई पिक्सल का फोटो करते हैं, है ना। तो यही काम करता था ताकि जो इमेज भेजे वो साफ साफ दिखे। तो ये 2007 में भेजा गया था अंतरिक्ष में, 2019 तक काम किया, 2019 के बाद अभी तक वो निष्क्रिय पड़ा था अंतरिक्ष में। इसरो ने अंतरिक्ष के कचरों को साफ करने के उद्देश्य से कार्टोसैट 2 को धीरे धीरे करके नीचे उतारा, अंतरिक्ष से नीचे उतारा और हिंद महासागर में जाकर इसको गिराकर डुबो दिया, नष्ट कर दिया। इसरो पहले भी कर चुका है ये काम, मेगा ट्रॉपिक 1 पिछले साल उसको भी अंतरिक्ष से उतारा और उसको प्रशांत महासागर में जाकर गिराया। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा जान लीजिए, कार्टोसैट 2 को हिंद महासागर में गिराया, वही मेगा ट्रॉपिक जो पिछले साल किया था, मेगा ट्रॉपिक वन को कहाँ गिराया, प्रशांत महासागर, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं करना है, क्लियर, बस यही था और कुछ नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देश के 5 आर्द्र भूमि क्षेत्र रामसर स्थलों की सूची में शामिल, आर्द्र भूमि क्षेत्र, देखिए आर्द्र भूमि क्षेत्र मतलब वेटलैंड एरिया क्या होता है, वेटलैंड एरिया क्या होता है, यानी आर्द्र भूमि क्षेत्र क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जो लगभग वर्ष भर पानी की उपलब्धता से परिपूर्ण हो, मतलब पानी की उपलब्धता वहाँ अच्छा खासा हो, है ना, जैसे सुंदरबन का डेल्टा, चिल्का झील, ये सब क्या है, वेटलैंड है, वहाँ पानी सालों भर भरा रहता है उस एरिया में। ये क्षेत्र जो होता है जैव विविधता के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, जलीय पौधों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, जलीय जीव जंतु के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, पर्यावरण इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसको संरक्षण करके रखने की ज़रूरत है। इसका पहला प्रयास किया गया था यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को के तत्वाधान में ईरान में किया गया था, इस पर एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, है ना, तो एग्रीमेंट साइन किया गया था 1971 को ईरान के रामसर में, इसलिए इसको वेटलैंड एग्रीमेंट को रामसर एग्रीमेंट भी कहते हैं, रामसर कहते हैं क्योंकि रामसर एरिया से ये डिनोट किया जाता है, ठीक है ना, इसको समझ लेते इस तरह से हम लोग। भारत का 5
भारत के पांच क्षेत्र को रामसर क्षेत्र में घोषित किया गया, पांच क्षेत्र को घोषित किया गया रामसर क्षेत्र में। रामसर क्षेत्र कहने का मतलब वेटलैंड एरिया, ठीक है ना, रामसर क्षेत्र जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रामसर साइट कहते हैं, वो क्या होता है, वेटलैंड होता है। वेटलैंड क्या होता है अभी जस्ट बताएं, वैसा भूमि जहां जल की उपलब्धता सालों भर वर्ष भर, मतलब वो जो भूमि है जैसे मान लीजिए भूमि है, यहाँ क्या है कि सालों भर पानी से परिपूर्ण रहता हो उसका सतह, ठीक है। ये हो गया, ये किस लिए उपयोगी है तो बताएं कि जैसे पर्यावरण जैव विविधता के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस क्षेत्र को संरक्षित करके रखने का जरूरत है। इसी में प्रवासी पक्षी भी आती है, इसी में बहुत तरह का जलीय जीव जंतु रहते हैं, इसी में बहुत तरह का जलीय जो होता है पौधा होता है वो रहता है, वहाँ का वातावरण के लिए इसका होना बहुत ज़्यादा उपयोगी है। सुंदरवन का डेल्टा, जैसे सुंदरवन का डेल्टा जो बाघ रहता है उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, जो ज्वार भाटा आता है उसको रोकता है ना, तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस क्षेत्र को संरक्षित करके रखने की ज़रूरत है। हर देश में पूरा विश्व में ऐसा क्षेत्र होता है, तो इस क्षेत्र को बचाने के लिए वेटलैंड को बचाने के लिए ईरान के रामसर में यूनेस्को के तत्वाधान में 1971 का बात कर रहे हैं हम, यूनेस्को के तत्वाधान में, तत्वाधान मतलब किसका लीडरशिप में, ईरान के रामसर नामक स्थान में एग्रीमेंट साइन किया गया कि ऐसे क्षेत्रों को हम लोग बचाएंगे, है ना, एग्रीमेंट साइन किया गया। बहुत सारे देश शामिल हुए इस एग्रीमेंट में कि हम लोग वेटलैंड को बचाएंगे। तो भारत कब शामिल हुआ, तो भारत 1982 को शामिल हुआ भारत 1982 को इस एग्रीमेंट में शामिल हुआ। एग्रीमेंट में शामिल होने के बाद भारत भी अपने क्षेत्र को वेटलैंड घोषित करवाता है और उसको फिर संरक्षित करता है। इस बार पांच क्षेत्रों को रामसर साइट में घोषित किया गया है, ऐसे टोटल 80 हो चुका है अब तक, ठीक है ना। तो पांच का नाम क्या है देख लेती है, लिख दे रहे हैं यहाँ, पहले देख लेते हम लोग पांच साइट को इस बार फिर से रामसर क्षेत्र में घोषित किया गया है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। पहला का नाम क्या है, कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य, ठीक है ना। दूसरा क्या है, लॉन्गवुड सोलर रिजर्व, तीसरा है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण, चौथा क्या है अधनाशिनी एक्सचेंज, और पांचवा और अंतिम क्या है मगधी केरे संरक्षण रिजर्व। ये दोनों है तमिलनाडु से, ये तीनों है कर्नाटका से, ठीक है।
ये केस है तमिल से, तमिलनाडु, दो तमिलनाडु से, तीन कर्नाटक से, टोटल पांच को इस बार रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो पांचों का नाम बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ ही देगा, एग्जाम में पूछ ही देगा, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मेंस में भी इसका उपयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टोटल 80, अब तक टोटल कितना हो चुका है, 80 साइट को घोषित किया जा सकता है, जैसे चिल्का झील हो गया, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है, तो सुंदरबन का डेल्टा, हो सकता है ये भी पूछते प्रश्न कि सबसे भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है, सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गगनयान की उड़ान, गगनयान की उड़ान द्वारा अंतरिक्ष जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट विंग्स पीएम ने प्रदान किया। जैसा कि हम लोगों को पता है कि भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान है, इसमें भारत पहली बार अंतरिक्ष में मानव को भेजेगा अपने मिशन के तहत, उसका नाम क्या दिया गया, गगनयान। तो गगनयान मिशन में कुल 4 एस्ट्रोनॉट का अभी नाम ओपन किया गया है, सामने कर दिया गया है, जिन्हें ट्रेनिंग दिया गया है कि उन्हें गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इन चारों का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ना। तो पहला का नाम है गगनयान मिशन के तहत जो जाने वाले अंतरिक्ष में, जो अंतरिक्ष में जाएंगे उनका पहला नाम है आपका कैप्टन प्रशांत बाल कृष्णन नायक, ठीक है। दूसरा क्या है, तो कैप्टन अजीत कृष्णन, तीसरा का नाम है और चौथा का नाम क्या है, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ठीक है ना। ये चारों का नाम ध्यान में रखना है, एक है कैप्टन प्रशांत बाल कृष्ण नायर, दूसरा है कैप्टन अंगद प्रताप, तीसरा है कैप्टन अजीत कृष्णन, चौथा है विंग कमांडर सुधांशु शुक्ला। इन चारों का नाम याद रखना है, पीएम मोदी ने इन्हें एस्ट्रोनॉट विंग प्रदान किया है ना, यानी अंतरिक्ष पंख जिसको कहते हैं प्रदान किया है, इनका नाम को भारत की जनता के सामने रखा कि ये लोग जाने वाले हैं गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए, ठीक है। बस इसमें यही, भारत का अगर देखा जाए पहला तो कौन थे, राकेश शर्मा, लेकिन वो रूस का मिशन के तहत गए थे, है ना, सोयुज T-11 के तहत गए थे, है ना। लेकिन भारत का जो अपना होगा वो गगनयान होगा, वो पहला होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन कौन हो चुका है, ये हो गया। लास्ट राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से इंदिरा गांधी व नरगिस दत्त के नाम हटाए गए, पुरस्कार की राशि में भी वृद्धि हुई। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दो फिल्म पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक था इंदिरा गांधी
फिल्म पुरस्कार, दूसरा होता है नरगिस दत्त फिल्म पुरस्कार। इंदिरा गांधी फिल्म पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से, है ना, उसका नाम कर दिया गया क्या, तो किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म, मतलब उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, पहला है इंदिरा गांधी, अवार्ड अवार्ड या पुरस्कार जो बोलिए, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, किसी निर्देशक की पहली, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, हो सकता ऑब्जेक्टिव में दे दिया कि इंदिरा गांधी अवार्ड फिल्म अवार्ड को बदल कर क्या नाम दे दिया गया, चार ऑप्शन रहेगा, कुछ कुछ नाम बना बना कर दे देगा, उसमें से रहेगा किसी निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो यही वाला होगा, याद रखिएगा, चेंज करके किया गया है, ठीक है। दूसरा क्या है, नरगिस दत्त का नाम बदला गया ना, नरगिस दत्त फिल्म अवार्ड, अवार्ड फिल्म अवार्ड, इसको नाम बदल के क्या कर दिया गया है, किसका नाम बदल के कर दिया गया है, राष्ट्रीय सामाजिक व पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा, राष्ट्रीय सामाजिक पर्यावरणीय को बढ़ावा, इसका नाम कर दिया गया, ये राष्ट्रीय एकता के नाम से, जैसे कोई राष्ट्रीय एकता से संबंधित कोई फिल्म बनता था उसको नरगिस दत्त अवार्ड दिया जाता था, जिस फिल्म का मतलब मोटो हो या फिर उसका उद्देश्य हो या उसको बनाने का लक्ष्य हो कि राष्ट्रीय एकता का वृद्धि हो, तो वैसा फिल्मों को राष्ट्रीय नरगिस दत्त अवार्ड दिया जाता था, लेकिन अब उसका नाम बदल कर दिया गया राष्ट्रीय सामाजिक पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा अवार्ड दिया गया, क्लियर, तो इसको भी याद रखिएगा। और जो फिल्म पुरस्कार में जो राशि दी जाती थी उस राशि में भी वृद्धि कर दिया गया, तो बस इन दोनों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दोनों बड़ा पर्सनालिटी थी, इन लोगों का नाम चेंज कर दिया गया है, इसलिए हो सकता है इससे प्रश्न पूछा जा सके। तो इस तरह से आज हम लोग राष्ट्रीय पार्ट टू देख लिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे, और इस तरह से हम लोग धीरे धीरे प्रतियोगिता दर्पण को बड़ा ही सरल तरीका से आराम से पढ़ लेंगे, बोलचाल की भाषा में पढ़ लेंगे, बात को सुन लेंगे, बहुत लंबे समय तक बात दिमाग में बैठा रहेगा, है ना। फिर अगर आप एक बार रीडिंग भी पढ़ लेंगे, रीडिंग भी बुक को कर लेंगे, तो फिर कोई दिक्कत होने वाला नहीं, आराम से वो क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।